जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 3 की। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके 10th क्लास के जो मैथ है उसका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पूरी डिटेल से समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और हम इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमारे पास इस तीसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला 12, 15, 21, दूसरा है 17, 23, 29 और तीसरा है 8, 9, 25। हमको इसका सबसे पहले HCF निकालना है, फिर हम निकालेंगे इनका LCM। तो हम सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखो 12, 15 और 21 का हम सबसे पहले अलग अलग क्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अलग करेंगे, ठीक है, और हमारा 15 का अलग करेंगे और 21 का अलग करेंगे। देखो ये 2 से कट रहा है, ठीक है, 6 मरतबा, फिर ये 2 से कट रहा है 3 मरतबा, ठीक है, और 3, 3 से कट रहा है 1 मरतबा। इसके बाद हम 5, 15 को काटेंगे, 15 कटेगा 3 से, 3 5 15, 5 मरतबा, 5, 5 से कटेगा 1 मरतबा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 21 को काटेंगे, 21 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या है, एक विषम संख्या है, तो हम 3 से कटेंगे, 3 7 21 और 7, 7 से कटेगा 1 बार, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, इसके बाद लिखेंगे हम 15, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3 गुना 5, 3 गुना 5, इसके बाद हम लिखेंगे 21, लिखेंगे यहाँ 3 गुना 7 गुना 1, यहाँ 1 कर लो और यहाँ भी 1 कर लो। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका HCF। तो HCF कैसे निकलेगा, HCF तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले तीनों में कॉमन आ रहा है आपका 3 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है आपका 3 कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे HCF, HCF बराबर 3 गुना 1 बराबर कितना होगा, 3 होएगा, ठीक है, जो HCF निकला है वो कितना निकला है 3। अब हम इसी तरह निकालेंगे LCM, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम निकालने का मैंने तरीका आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं उसी में बताया है कि जो हमारे जो हमें कॉमन लिया है उनमें से 1 बार ले लेंगे और बाकी संख्याओं का सेम निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 को उतारेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 को 1 बार उतारेंगे और 1 को भी 1 बार उतारेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ गुना 5 गुना और यहाँ 7। अब देखो अगर जब फ्रेंड इनका हम क्या करेंगे, इनका हम जब आपस में गुना करेंगे तो हमारा जो निकल के आ जाएगा, देखो मैंने तो निकाल रखा है आप निकाल के देख लेना, इसका आएगा आपका 420 और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो हम इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हम इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है, आप नोट कर लो, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने क्लीन कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हम 17 और इसके बाद हमारा हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा हमारा 29, इनका अलग अलग हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 17 सिर्फ 17 से ही कटेगा 1 मरतबा, ठीक है, इसको हो गया, और 23, 23 से कटेगा 1 मरतबा, ठीक है। इसके बाद 29, 29 से कटेगा 1 मरतबा, देखो बिल्कुल सिंपल है। अब इसको हम सही तरह लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 17 बराबर 17 गुना में 1, कोई दिक्कत। इसके बाद हम 23 को लिखेंगे 23 गुना 1, 23 गुना में 1, इसके बाद हम 29 को लिखेंगे, 29 को लिखेंगे हम 29 गुना में 1। अब देख किस में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन सिर्फ हमारा आ रहा है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF, HCF बराबर 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा HCF का। तो हम अब निकालेंगे LCM। तो LCM का हम सिंपल पता है कि हम 17 गुना 23 गुना 29 गुना कॉमन में हम 1 लेंगे। जब इन आपस में हम गुना करेंगे, जब इनका हम आपस में गुना करेंगे, तो मैंने तो इस क्वेश्चन का निकाल रखा है, ठीक है, तो क्या आएगा, इसका आएगा 11, 339, 11, 339 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक
ठीक है, तो हम इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको हम बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 8, 9, 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, सबसे पहले हम 8 का अलग क्या करेंगे, अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 का अलग करेंगे और 25 का अलग करेंगे। अब देखो 8 किससे कटेगा, 8 2 से कटेगा 4 मरतबा, 2 2 से कटेगा, 2 2 से कटेगा 1 मरतबा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद 3 काटेंगे, 3 9 से कटेगा 3 मरतबा और 3 3 से कटेगा 1 मरतबा, 25 5 से कटेगा 5 मरतबा और 5 5 से कटेगा 1 मरतबा। ठीक है, हम इसको सही तरह लिखते हैं यहाँ, देखो 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, इसके बाद हम लिखेंगे 9 को। ठीक है, 9 लिखेंगे यहाँ, 3 गुना 3 गुना 1, कोई दिक्कत? इसके बाद लिखेंगे 25 को, 25 से करेंगे हम 5 गुना 5 गुना 1, कोई दिक्कत? अब जो हमारा कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 1 इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसी तरह हम निकालेंगे हम एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने का तरीका हमें पता है कि हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 और कॉमन में से 1 ले लेंगे। ठीक है, हम नीचे देखेंगे, नीचे बचाए 3 गुना 3, इसके बाद नीचे देखेंगे गुना 5 गुना 5। ठीक है, हमारी सभी संख्या हो गई। अब इसको हम आपस में जब गुना कर लेंगे, जब आपस में हम गुना करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा 1800 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप मैथ के लिए बिल्कुल बेचिंता हो जाए, क्योंकि मैथ की प्रॉपर तैयारी इस चैनल पर चल रही है। थैंक यू।